गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं हूं सौरभ और SNIS PSC क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 2014 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और एक तरीके से उसका हल यहां पर देख रहे हैं और मॉडल हल क्या होना चाहिए, आदर्श हल क्या होना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं। इस वीडियो की कड़ी में हमने पहले देखा है कि रिक्स का पेपर हमने डिस्कस किया, उसके उपरांत हम हिंदी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरीके से फिर हम 2015 का एथिक्स देखेंगे, फिर 2015 का हिंदी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 2014 का जो हिंदी प्रश्न पत्र का पेपर है उसके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो 3 नंबर के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं और इसका आंसर आपको लगभग 20 से 30 शब्दों में देना होता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 14 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, ये मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको लगेगा कि पेपर काफी आसान है, लेकिन हिंदी विषय में यदि आपका 20 में से एक भी क्वेश्चन छूटता है या 2-3 क्वेश्चन छूटते हैं, जहां तक संभव है कि छूट जाए, यदि आपको छोटी सी भी बात नहीं पता तो पक्का वो छूटने वाला है आपका। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 14 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहली बात, तो 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा। और दूसरा कारण यह है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप पेपर में ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, आपको जैसे आपकी आदत पड़ी है ना कि ज्योग्राफी में सीधे आंसर लिखते हैं आप, फिर हिस्ट्री में सीधे 3 पॉइंट डाल के दे देते हैं, ये आपका हिंदी का पेपर है। यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि 14 सितंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, साथ ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको एक पूर्ण सेंटेंस देना है, पूर्ण वाक्य बनाना है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा परिनियमावली के ख क्षेत्र कौन से हैं? आपको पता है कि राजभाषा परिनियमावली में हमने कुछ क्षेत्र बनाए हैं हिंदी के, जिसमें क क्षेत्र है, ख क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों के नाम पूछता है। तो बेटा, का क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हिंदी जो है वो मुख्य भाषा है, खा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहां पर हिंदी जो है वो सह भाषा के रूप में काम करती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां हिंदी कैसी भाषा कैसे है, सह भाषा के रूप में है, यानी मुख्य भाषा कुछ अलग है और उसके साथ में हिंदी है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र है ऐसे, तो पंजाब है, क्योंकि पंजाब की पहली भाषा पंजाबी है, दूसरी भाषा हिंदी है। उसी तरीके से महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती और चंडीगढ़ की पंजाबी। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की प्रमुख भाषा है, तो वहां की क्षेत्रीय भाषा ही है, लेकिन हिंदी जो है वो सहभाषा के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन आपसे का क्षेत्र का भी पूछेगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो आपको बताना है कि का क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे। एक तो मध्य प्रदेश आता है, यानी कि हमारा छत्तीसगढ़, फिर बेटा हिमाचल, उत्तर प्रदेश, यहां पे देखेंगे तो हिंदी जो है वो का क्षेत्र के अंतर्गत आती है, या इन राज्यों को का क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, इसको हम लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। और ये जो लिपि है बेटा, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। अच्छा, यदि आप सीधे पूछे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, आप सीधे लिखेंगे कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको मार्क्स तो लगभग मिल सकते हैं, 2 से 2.5 से 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, जैसे इसको अपन लोकनागरी लिपि भी कहते हैं, है ना, बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये एक आपका परिपूर्ण क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी की मुख्य जनपदीय विभाषा के नाम लिखिए। पहली बात तो क्या पूछ रहा है, जनपदीय और विभाषा, तो समझते हैं विभाषा क्या होती है। तो देखिए, एक क्षेत्रीय रूप होता है बोली, बोली के बाद आती है बेटा, बोली के बाद आती है विभाषा, और विभाषा के बाद आती है भाषा। तो एक तरीके से भाषा और बोली के बीच का जो माध्यम है वो हम विभाषा कहते हैं। तो डेफिनेशन दीजिए आप इसकी, विभाषा को बताइए कि क्या होता है। तो जब बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगती है, मान लीजिए कि कोई बोली है क्षेत्रीय इलाके में बोली जा रही है और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो हम बोलते हैं कि वो विभाषा है। तो प्रमुख जनपदीय विभाषाएं कौन कौन सी हैं,
भारत के अंदर जिनमें खासकर साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, तो आपको पता है ब्रज भाषा है ना, आपको पता है ब्रज में आपको सूरदास मिलेंगे, रसखान मिलने वाले हैं, फिर अवधी भाषा में तुलसीदास जी हैं, और भोजपुरी, भोजपुरी में भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी की सबसे पुरानी जीवित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो सबसे पुरानी बताना है, जीवित यानी कि जो आज तक चल रही है, उस पत्रिका का नाम बताना है, और कैसी पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका है। तो बेटा मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए, आपको आंसर को कंप्लीट लिखना है जैसे हिंदी में लिखा जाता है। तो पत्रिका कौन सी है, हंस। हंस जो पत्रिका है ये मार्च 1930 से सरस्वती प्रकाशन प्रेस काशी से छपना शुरू हुई थी, और तब इसको संपादकीय कार्य किया गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये तो आपने बताया कि हंस पत्रिका है, मार्च 1930 से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, काशी से शुरू हुई है, किसने प्रकाशित किया, तो सरस्वती प्रकाशन काशी ने इसको प्रकाशित किया है, संपादक कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद थे। लेकिन वर्तमान समय में ये कहाँ से प्रकाशित हो रही है, तो बेटा वर्तमान समय में ये अक्षर प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है, और इसके जो संपादक हैं वो संजय यादव है, संजय सहाय है। देखिए याद रखिएगा आप, कई जगह आपको यहाँ पे मिलने वाला है राजेंद्र यादव, तो याद रखिएगा बेटा राजेंद्र यादव जो है उनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी, उसके उपरांत उनकी बेटी ने यानी कि रचना यादव जी ने संपादकीय कार्य संभाला, और वर्तमान में यानी कि 2020 के अंदर इसके संपादक का कार्य या संपादकीय कार्य संजय सहाय के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य बताइए, मुख्य उद्देश्य यानी कि क्या प्रतिपादित किया हुआ है उन्होंने अपने काव्य के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक भारतीय आत्मा कौन, किसको कहते हैं हम एक भारतीय आत्मा। तो आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। इनके काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, तो इनके काव्य का मुख्य जो प्रतिपाद्य है वो है बेटा राष्ट्रीयता और देशभक्ति। इनकी कविताओं में वीर रस है, ओज गुण है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति झलकती है। उसके उपरांत आप इनकी दो तीन रचनाएं बताइए, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण, समर्पण, बहुत सारी रचनाएं हैं, आप एक या दो रचनाएं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न की मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, उनकी भाषा और लिपि बताइए। तो आपको एक कोई रचना बतानी थी, चूंकि पद्मावत इनकी प्रमुख रचना है, तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम, तो मेन रचना जो है इनकी पद्मावत है, आपको पता है इसके ऊपर मूवीज भी बनी है पद्मावती। और भाषा कैसी बेटा, तो अवधि, इनकी भाषा अवधि है, और आपको पता है कि अवधि भाषा जो है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। तो आपको जितना क्वेश्चन में पूछा जाए लगभग उतना ही लिखते जाना है। तो प्रमुख प्रश्न पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, भाषा कैसी है तो अवधि है, और लिपि कैसी बेटा तो देवनागरी है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, द्विभाषी नीति का आशय स्पष्ट करिए। तो द्विभाषी नीति मतलब दो भाषा, तो द्विभाषी नीति शब्द मिलता कहाँ है, बताया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा राजभाषा अधिनियम जो 1963 में आया था, इसके अंतर्गत क्या है कि हिंदी के अतिरिक्त, आपको पता है कि राजराज की भाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को राजराज की भाषा व पत्रादि में या जो भी पत्राचार होता है अधीनस्थ कार्यालयों में उसमें शामिल करना, तो हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा को भी शामिल करना, इसी का मतलब होता है द्विभाषी नीति। याद रखिएगा 2020 में भी क्या हुआ है कि नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति के तहत अब ये त्रिभाषा हो गया, त्रिभाषा सूत्र, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा कि त्रिभाषी नीति क्या है। अभी तक तो द्विभाषी नीति था, क्लियर बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, नवे प्रश्न की तरफ। तो राजभाषा आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा राजभाषा आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि जो हिंदी विभाग होता है बेटा वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, दसवां प्रश्न क्या कह रहा है, कबीर की तीन काव्य शैली कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा कबीर की तीन काव्य शैली है बेटा साखी, सबल और रमेली, तीनों में लगभग अलग अलग रचनाएं इन्होंने लिखी है, क्लियर बेटा।
इसका जो संग्रह है तीनों का इसको हम बीजक कहते हैं। और इनकी जो भाषा है आपको पता है कवि की भाषा कैसी है, तो सधुक्कड़ी भाषा है। और इसके अतिरिक्त ये जो साखी सबद और रमेनी है, इन तीनों की शैलियां जो है बेटा वो कंप्लीटली या पूरी तरीके से अलग अलग है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार काव्य शैली में क्या रचनाएं या इनकी रचनाएं भी तो है काव्य शैली में, तो काव्य शैली और रचना लगभग एक जैसी दिख रही है आपको। तो मैंने आपको बता दिया काव्य शैली मतलब साखी सबद और रमेनी, तो याद रखिएगा साखी में कबीर की साखियां हैं, ठीक है। सबद में उनके जो भी नीति विषय जितने भी उपदेश दिए गए हैं उसको सम्मिलित किया गया है, और रमेनी में भी ऐसा ही लगभग कुछ है। तो संग्रह इन तीनों का क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। भाषा कैसी बेटा, सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी भाषा को और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पंचमेव खिचड़ी भाषा इसको कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां प्रश्न। देवनागरी लिपि की तीन भारतीय भाषा, बहुत सारी भाषाएं हैं, आप किसी तीन भाषाओं के नाम लिख सकते हैं, तो हिंदी है, संस्कृत है और मराठी है। चलिए बेटा हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों हम 12वां प्रश्न देख रहे हैं, शासकीय तथा अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर है। तो देखिए शासकीय पत्र और एक तरफ देखिए अर्धशासकीय पत्र, सबसे पहले आप बताइए कि इनकी स्थितियां कैसी होती हैं। तो बेटा जो शासकीय पत्र होता है उसकी स्थिति पूर्णतः औपचारिक होती है, और अर्धशासकीय पत्र की स्थिति कैसी होती है, अनौपचारिक होती है। उसी तरीके से शासकीय पत्र के अंदर पारिभाषिक शब्द यानी कि तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन वगैरह से शुरू किया जाता है महोदय, और जबकि इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी तरीके से जो शासकीय पत्र होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है, और जबकि अर्धशासकीय पत्र जो है वो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। तो बेटा इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी के, और 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे हमें उसका हिंदी रूप लिखना है, या हिंदी शब्द दिए गए हैं तो उसका इंग्लिश रूप लिखना है, यानी कि एक तरीके से ट्रांसलेशन या पारिभाषिक शब्दों का इंग्लिश रूपांतरण हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता है कि जो लास्ट के प्रश्न होते हैं उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि लघुगम का विलोम बताओ या इसका पर्यायवाची शब्द बताओ, तो अगला जो वीडियो रहेगा तो इसके बचे हुए यानी 3 मार्क्स के जो 8 क्वेश्चन बच गए हैं उसको कवर करेंगे, साथ ही एक एक नंबर वाले और हिंदी तथा इंग्लिश रूपांतरण यानी कि पारिभाषिक शब्दों को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए बेटा तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।